हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही हेल्दी केक। तो ये केक को हम बनाने वाले हैं अपने रागी के आटे से और गेहूं के आटे से। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 1 कप रागी लिया है, इसे नाचनी भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप रागी लिया था और वही सेम 1 कप से मैंने लिया है नॉर्मल गेहूं का आटा। और ये दोनों आटे से हम आज बनाएंगे केक। और इसमें हम बिल्कुल भी शुगर नहीं डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का अल्टरनेटिव हेल्दी ऑप्शन गुड़। तो यहाँ पे मैंने लिया है पाम जागरी। तो ये जागरी जो है थोड़ा कम मीठा होता है फ्रेंड्स, तो इसके लिए यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा जो है गुड़ मैंने इसमें यूज़ किया, बिकॉज केक है तो डेफिनेटली थोड़ा मीठा तो चाहिए। इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 कप जागरी जो है इसमें डाला है। लेकिन बाद में मैंने फ्रेंड्स जब भी इसको एक्चुअली टेस्ट किया था पानी वानी डालने के बाद, तो मेरे को थोड़ा मीठा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें और 1/2 कप जो है जागरी ऐड किया। यानी कि लगभग मैंने 2 कप्स इतना, या फिर आप 1.5 कप इतना जागरी डाल सकते हो। अगर आप नॉर्मल जागरी डाल रहे हो तो आप 1 कप पहले डालिए, उसको चेक कीजिए कि कितना मीठा हो रहा है सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद, और फिर उसके हिसाब से आप, अगर आपको कम लग रहा है क्वांटिटी तो आप बाद में जो है ऊपर से और इसको एक्स्ट्रा डालिए। अब बिकॉज़ ये जागरी जो है गुड़ पाउडर फॉर्म में है, तो इसे टेस्ट करना ईजी है। तो आप अगर जागरी केक में यूज़ करो तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो जागरी यूज़ करें वो पाउडर फॉर्म में ही हो, वो ज़्यादा बेटर होता है केक्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है कर्ड और 1/2 कप हमने इसमें डाल दिया है मिल्क, और इसमें हम लगभग 1 कप इतना पानी डालेंगे। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन वेट इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले फ्रेंड्स, आपको जो, अगर आप इसको ओवन में बनाने वाले हो तो आप आपका जो ओवन है उसको आप पहले 180 डिग्री पे जो है उसका टेम्परेचर सेट करके उसको 10 मिनट्स के लिए आपको प्री हीट करना है। और साथ ही साथ में आप जिस भी केक के मोल्ड में केक बनाने वाले, उस मोल्ड को ग्रीस करके बटर पेपर लगा के आपको रेडी रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेरा ओवन भी रेडी था और मेरा जो मोल्ड है वो भी रेडी था। तो मैंने इसमें उसके बाद सारे वेट इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे हमने जो है 1 कप ऑयल भी डाला है इसमें, और यहाँ पे मैंने डाला है ये 1 स्पून इतना बेकिंग पाउडर। इसमें हमने सोडा नहीं ऐड किया, सिर्फ बेकिंग पाउडर डाला है। और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर अगर आपको ऐसे लगे कि ये अभी भी थिक है तो आप इसमें, यानी कि अगर आपने, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने 1 कप पानी डाला था लेकिन ये देखिए मुझे फिर भी थोड़ा थिक लग रहा था, तो मैंने इसके लिए इसमें और 1/2 कप इतना पानी ऐड किया है। और फिर हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे बिकॉज़ ये बच्चे भी खाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने इसमें डाला है चॉकलेट। तो यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट का डार्क कंपाउंड पड़ा था, तो उसको मैंने ग्रेट करके इसमें डाला है। आप यहाँ पे डार्क चॉकलेट भी डाल सकते हो, या फिर आप चोको चिप्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चॉकलेट डाल के इसमें एक अलग ही फ्लेवर आ रहा था, तो इसके लिए मैं चॉकलेट मैंने इसमें डाला है और बहुत अच्छा टेस्ट आया इसका। तो हम इसमें चॉकलेट ग्रेट करके डालेंगे और इसको आज हम बनाने वाले हैं हमारे हार्ट शेप केक के मोल्ड में। ये मेरा 1 kg का केक मोल्ड था, लेकिन जब मैंने इसमें बैटर डाला तो ये काफ़ी ओवरफ्लो, लाइक मतलब फुल हो गया था। तो जैसे आप जानते हो कि जब भी आप केक बनाते हो तो आपका जो मोल्ड है उसमें बैटर हमेशा जो है 3/4 या फिर मैक्सिमम 1/2 फिल्ड होना चाहिए, ताकि जो है केक को फुलने में जो है आसानी हो। तो इसके लिए हमने जो है जब देखा कि ये पूरा फिल हो गया, तो हमने दूसरे एक छोटे वाले मोल्ड में इस बैटर को निकाल के डाला था। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे दोनों भी केक जो है बिल्कुल बेक होने के बाद रेडी हो गए। तो हम इसको जो है बैटर को डाल के एक 35 से 40 मिनट्स के लिए जो है इसको अच्छे से बेक कर लेंगे। और उसके बाद, यानी कि आपको कैसे चेक करना है बेक हुआ, आप नाइफ़ डाल के चेक करेंगे सेंटर में। अगर आपका नाइफ़ क्लीन निकलता है तो इसका मतलब आपका केक जो है बेक हो चुका है। इसमें लगभग 35 से 40 मिनट्स लग ही जाते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज़ केक का क्वान्टिटी ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, बिकॉज़ ये बहुत ही सिंपल केक था, तो हमने हमारा जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट था
उसको हमने मेल्ट किया और उस डार्क कंपाउंड यानी कि उसमें हमने थोड़ा मिल्क डाल के उसको लिक्विड करके हमने केक पे इसको पोर किया और बस इसको थोड़ा गोल्डन फ्लेक से डेकोरेट किया। तो ये देखिए हमारा फाइनल केक का लुक बहुत ही टेस्टी बना था और यमी बना था और हेल्दी भी है बिकॉज इसमें कोई भी मैदा नहीं है, शुगर नहीं है। तो आप इसे ज़रूर बना के देखिए फ्रेंड्स और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका केक कैसा बना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।